ये रही अपनी स्कूटर। Here it goes. I'm sorry. मेरे स्कूटर पे आ जा, इलेक्ट्रिक स्कूटर। That is our Mithu. बहुत टाइम हो गया था यार इस बार। Almost 8 से 10 महीने। क्योंकि obviously pregnancy and ऋषि के बाद टाइम नहीं मिल रहा था हम दोनों को। बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, हद से ज्यादा। लेकिन अपनी मिट्टू की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? नॉर्मली डॉग्स नहाते वक्त ना भागते हैं, वो देखो चुपचाप नहा रही है। नॉर्मली क्या पता नहीं, मेरा फ्लफी तो नहीं भागता था। हाँ, फ्लफी नहीं भागता था, ठीक है। पेटी है हमारी, स्ट्रीट पेट, घर में तो रख नहीं सकते। एंड पता है गाइस किस तरीके से हम लोग ऋषि को घर पर छोड़ कर आए हैं ना, और इसको किडनैप कर लेकर आए इधर, हमें पता है। चलो भाई, मिट्टू का हमारा काम हो चुका है। आफ्टर 7 to 8 months बाद इसे नहाया है। रेबीज, हाँ ज्यादा रेबीज का इंजेक्शन लग गया, बाकी सब कुछ चंगा सी, क्योंकि हमारी मिट्टू वैसे भी सेक्सी है। है भाई मिट्टू, स्ट्रॉन्ग भी है। चलो, ये मिट्टू का सामान हमने ले लिया है खाने पीने का, ताकि अभी वहाँ जाते हमने इसको ट्रीट देना है। चले, लेट्स गो। ऋषि भी घर में वेट कर रहा होगा। द नेक्स्ट डे। A few moments later. I'm sorry. Here we go again. तू देख, तू मेरे निशानों पे एटलीस्ट थोड़ा तो प्राउड फील कर दे। कहां से? इधर से मैंने मारा। अगर मेरे लगे। इसके बाद गोलियां खत्म ना? अभी कहां खत्म गोलियां? मम्मी फोन पे बात करी, बाद में लड़ते थोड़ी देर में। ऑल राइट गाइज, टाइम आ चुका है कि अब हम लेने चलते हैं अपनी नई वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर। और आज हम डालेंगे नए रॉयल एनफील्ड के, मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, कैजुअल स्नीकर्स। राइडिंग के लिए बड़े सही हैं। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल राइड पे अगर निकल रहे हो, लाइक जैसे हम वीकेंड राइड पे निकल जाते हैं, छोटी मोटी राइड्स, उसके लिए बहुत सही है। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है, जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बाकी इसका सोल वैसे ही बहुत तगड़ा सा है। इसको डालते हैं और लेने चलते हैं। चलो भाई, ये रख दिया अपना हेलमेट, क्योंकि आते वक्त मैं ही लेकर आने वाला हूँ स्कूटर को, सो दैट मैं आपको एक रिव्यू दे पाऊँ, फर्स्ट इम्प्रेशन। और ये है आज का मेरा अटायर, व्हाइट ब्लू रॉयल एनफील्ड। पानी को अपने पास ही रख लो, चैन से चलाने का, आराम से पहुँचने का, जहाँ तक पहुँचने का है। और ये वही स्कूटी है जिसको तुम पैर से रोका करती थी, ब्रेक के। बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है मैंने तुम्हें, ठीक है। बल्कि वो भी पैर से रोकता है, देखो आराम से आइयो, ध्यान से। और गाइज, एक बहुत ही तगड़ा वाला ना मजाक हो गया है, एवी मजाक मजाक में। हमारे जो आकाश भाई है ना टाटा वाले, वो ना उनको मैंने गलती से लाजपत वाले एथर का एड्रेस भेज दिया, और वो ना लाजपत पहुंच गए। जबकि पहुंचना कहां था? नवेडा। अब उनका मेरे को कॉल आता है, ये तो मेरे पर प्रैंक तो नहीं कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता गलती से प्रैंक हो गया है। अब वो बेचारे वापस नवेडा निकल रहे। और तुमसे भी मेरा एक क्वेश्चन है। क्या? हाँ, जैसे मैंने तुम्हारे पर वो जोक मारा पैर से, देखो बहुत रोकती तो है लेकिन पैर से, तुम मानोगी ये चीज, तो ब्रेक नहीं लगाती है एक्चुअली। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट खतरनाक जोक है कि स्कूटी पर बैठी लड़की या औरत और भैंसे पर बैठा यमराज एक समान है, ऐसा क्यों? देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो। अब ये तो हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, एक्सीडेंट आदमियों से भी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। हाँ, तो फिर उनको कोई काउंट नहीं करता, मेल डोमिनेंस। यस, ये चीज तो फैक्ट है। वैसे यूट्यूब पर ना 100,000s of videos अवेलेबल है, जिसमें हम मर्दों से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, फिर भी पता नहीं हमने वुमन को क्यों बदनाम किया हुआ है।
एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है। ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए ना मर्दों के पास सिर्फ एक ही है, कुछ भी हुआ है औरतों। फैक्ट तो है, गलती ना अपनी मीडिया हाउसेस एंड यूट्यूब की भी है। यूट्यूब पे आपको ऐसी ऐसी वीडियोस टाइटल के साथ मिलेंगी, पापा की परी, दीदी इसने ये ठोक दिया, उसने वो ठोक दिया। पापा की परी ना तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी मम्मी भी एक औरत है। अगर चार बंदों ने ऐसा करा है तो तुम उस कम्युनिटी को तो डिफाइन नहीं कर सकते ना। पता नहीं मजाक मजाक में ना हमने कोई इम्पोर्टेंट मैसेज दे दिया। चलो अच्छी बात है, हमारे पास इतनी ऑडियंस है, हमें एक अच्छा मैसेज हमेशा हर वीडियो में पहुँचाना तो चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे ये रहा रोहन, रोहन बहुत ही गुड न्यूज तो यही है कि आज हम अपनी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। बैड न्यूज क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ, बहुत ही बैड न्यूज है, सैड। ओके बॉयज वी हैव रीच्ड वोरा रोहन, इसकी स्पीड में चलाऊं इसलिए इसने कवर अप कर लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अगर होती भी तो क्या उखाड़ लेता। यहाँ से जा दो पहियों पे और वहाँ लगा दे, पहुँचते वक्त चार पहिये हो जाने चाहिए। अरे आकाश भाई सो सॉरी, ये रोहन की करामात थी, रोहन ने बोला कि लाजपत का एड्रेस दे दो, आकाश भाई के साथ प्रैंक हो जाएगा। ये दिस गाय, पेलो पेलो लेमन लोफ, पिछली बार का कमिटमेंट, पूरा स्टारबक्स ही उठा लाया आप, लग रहा है एकदम पूरे लेमन लोफ का स्टॉक है ना। गाइज ये रही अपनी स्कूटर, ये देखो, थैंक्स फॉर बुकिंग मिस्टर रोहित शर्मा, यूपी 16। बड़े भाई ने छोटे घर में चार नंबर भी हो गया, घर में दिल्ली नंबर भी हो गया, अब यूपी नंबर भी हो गया ना। बड़े भाई ने छोटे भाई की कुर्बानी दी है। तुझे वो वाला कलर पसंद आ रहा था, पर तुझे क्यों लगता है कि तेरा ओपिनियन मैटर करता है? हैं? किसी ने पूछा तेरा ओपिनियन? दिस इज बेस्ट, शिल्पा इज डूइंग द फाइनल पेमेंट, वेल डन बॉयज। ओए होए कितनी करी, दिखा दे कितनी पैसे दे रही है, हाउ मच मनी यू हैव। रे आवाज आ गई पेमेंट की, फाइनल पेमेंट हो चुकी है हमारी। नेम अ डॉग हु कैन डू अ मैजिक। नहीं, सेंट बर्नार्ड। ना ना रोहन, आई हैव आंसर, लाबरा कडाबरा डॉर। मैंने बोला ना फ्लॉसी। तो ये जो फालतू हरकत कर रहा है ना, तुझे पता है तू ना एक बादल जैसा है, जब बादल छट जाते हैं ना तो दिन अच्छा जाता है। सेम गोज टू यू। क्या मतलब बादल छट जाते हैं तो दिन अच्छा हो जाता है? बुरा लग रहा है? नहीं, डू वी केयर? नहीं, इधर घुमा। कौन कौन चाहता है कि रोहन इससे बदला ले? किस बात का बदला ले? फाइनली रोहन भाई साहब पानी पी रहे हैं। स्ट्रॉ ले आ। नहीं मत कर, स्ट्रॉ ले आ, बिकॉज यू सक। फाइनल टाटा बाय बाय टू दिस स्कूटर, जो कि पूरे 5 साल पुरानी स्कूटर है मेरे नाम पर थी, अभी इतना कुछ भरा हुआ है इसमें। वी आर गोइंग टू मिस दिस स्कूटर, बहुत सारी मेमोरीज है स्कूटर पे भी, एक्सो के साथ। तेरी तो प्रेजेंट के साथ है ना। बाय बाय माइस्ट्रो एज क्रे लाइफ रोहित, जब चिपकाया था जब हमारे कुछ 150 कुछ सब्सक्राइबर्स थे। आई डोंट नो, मैं थोड़ा बहुत यू नो इमोशन आ रही है, स्कूटर जा रहा है तो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मम्मी रोहन कहता माइस्ट्रो एज जो है ना उस पे बैठने में ज्यादा इजी रहता था, क्योंकि उसकी ना सीट थोड़ी मोटी है तो उस पे उसकी बम जो अच्छे से रेस्ट करती थी। इसमें जो है सारा मामला बिजली का है, झटका लग सकता। वो ना साइंस है, ना कॉमर्स है, ना आर्ट्स है। आपने सुना है लाफ्टर इज अ बेस्ट थेरेपी? ले हाँ, आपकी फोटो ना हॉस्पिटल में लगा देनी चाहिए, किसी को बीमारी ही नहीं होगी। तेरी तारीफ कर रहा है, ये तो तारीफ कर रहा है इसमें। Were you trying to insult me and then गलती से तूने मेरी तारीफ क्या बोला? कह रहा जो समझो आप, जो इन शॉर्ट मेरी तारीफ कर दी इसने। गाइज बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, जो बैड न्यूज थी ना वो ये है कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए कुर्बानी दे दी। हाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़ के एथर का स्कूटी ले लिया। पहले बता दिया आपने। हाँ, हमने स्कॉर्पियो एन बुक करी थी और बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेटिंग पीरियड, वेरी वेरी लॉन्ग वेटिंग पीरियड, अब हो गया, हमने उसको कैंसिल कर दिया है। एंड थोड़ा बहुत पैसे का भी सीन हो रहा है इस चक्कर में, हमने फिर अभी पहले ये बुक कर ली है। बुक क्या कर लिया, ले ही लिया। This is the future and अभी बाद में ले लेंगे। और जो booking cancel वाला scene है मैं आपको बाद वाली video में दिखाता हूँ क्या हुआ था? क्या हुआ, दर्दनाक cancellation थी वो। This is our new scooter। हर जगह दिखाना है ना कि M-Tech करी है, कुछ भी उठा के फेंक के मारना है। तू तो बोला ही मत कर, तेरा opinion matter नहीं करता। नहीं, हमारा तो करता है। आपका करता है, उसका नहीं करता। चल रहा भाई। Here it goes। मजा आ गया।
स्वाद ही आ गया। बजाज, रॉयल एनफील्ड, एथर, सब अपने ही, सब इंडियन कंपनी हो गई अब हमारे पास। कुछ भी बाहर का नहीं है माल हमारे पास। नहीं, रेनो क्विड फ्रेंच, अब वो इंडियन हो चुके इतने साल रहे ना। तो फ्रांस में मैन्युफैक्चरिंग तो इधर की है ना, फिर ये सो सॉरी अगेन फॉर लेटिंग यू गो टू लाजपत नगर एंड हैव सम शॉपिंग। मजे मजे में इन्होंने शॉपिंग भी कर ली एंड थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो गया है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप यहाँ पर आकर खुद ही ले लेना। और क्या? अभी मैं सीधा आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉग करते हुए, क्योंकि मैं ही लेकर जा रहा हूँ स्कूटर एंड रास्ते पर मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सी यू ऑन द स्कूटर। ऑल राइट, लेट्स गो। ये कर दी ऑन एंड इट गोज, हियर इट गोज। ओ भाई, पिकअप सही है यार। तो भाई इनिशियल थॉट्स, जो मेरी आईसी इंजन वाली माइस्ट्रो थी ना, उससे नेक्स्ट लेवल पिकअप है। मतलब पिकअप तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। बस एक ब्रेक का इशू है यार इसमें ना, दोनों ही डिस्क ब्रेक है। कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है नो डाउट, बट देन अगेन इट्स नॉट ABS, सो इट विल बी क्वाइट रिस्की। लेग की पोजीशन थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन नहीं अभी इसमें सेट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मुझे। अभी ये 60% चार्ज है, 19.6 किलोमीटर ओडो रीडिंग दिखा रही, 15 किलोमीटर ऑलरेडी चली हुई थी। एंड वन मोर थिंग, अभी ये प्रो पैक नहीं है, 48 घंटे में ये प्रो पैक हो जाएगा, और ये ऑटो अपडेट है, तो मतलब अगर मैं परसों इसको चलाऊंगा तो ये प्रो बन के निकलेगा। एंड अगर आप अभी देखोगे, मैंने एक हाथ में अभी कवर किया हुआ है, क्योंकि अभी नया नवेला टैटू है, उसमें धूल लगना अलाउड नहीं है। व्हाट हैपेंड टू दिस गाय? सी, ओ भाई। बाकी आपको इसका जो बेसिक स्पेसिफिकेशन जाननी है तो यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लो। एंड इट गोज 90 के अब नहीं जा रही, ये इसकी टॉप स्पीड है। चलती क्या? आजा, चाल ले लड़की, मेरे स्कूटर पे आजा, इलेक्ट्रिक स्कूटर। आजा लड़की, आजा। ओए, अरे सुंदरिया, अरे मेरे बच्चे की माँ, आजा यार, आजा। शादी हो ठीक है, लेकिन बचकानी हरकत रहनी चाहिए। ये जो मैंने अभी हरकत करी ना, कंडीशन अप्लाई, अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी की शादी करना, समझे? ठीक है, समझिया। ओ वाओ, ब्रेक जबरदस्त, 10 out of 10, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ब्रेक मारा है। मंदिर पहुंच चुके हैं, एंड जैसा कि हम हर इंडियन फैमिलीज अपने घर पर नए व्हीकल या फिर कुछ भी नया सामान लेते हैं जो कि लाइफ के आपके बहुत ही करीब होती है, उसकी पूजा करवा ली जाए। पहुंच चुके हैं हम लोग, खुशी खुशी पहुंच चुका हूं मैं, क्योंकि रास्ते में मैंने बहुत अच्छे से स्कूटर चलाया, इलेक्ट्रिक पहली बार इतना लंबा, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड मैंने अपनी बीवी को छेड़ा भी। अरे बीवियां छेड़ रहा, तू कुछ भी बोल जाती है, नहीं बीवियां छेड़ रहा है, छेड़ने देगी मुझे बीवियां? छेड़ के दिखा दू तो मैं कुछ नहीं है। तो इसमें तो दो दो है, लाते हैं। 2023 का पहला व्हीकल आ चुका है, और एक जो करा था वो कैंसिल हो चुका है, आगे कर लेंगे, पहले दोबारा आएंगे तो। एनीवे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर शेयर करो, कमेंट जरूर करना, एंड विद दैट सेड, हंसते रहो, मजाते रहो, खुशियां बांट करो, फिर मिलेंगे चलते चलते, बूम। और ये रोहन की बेइज्जती वाला टाइम आ चुका है। एंट्री, ओए जल्दी से चल। उसे पानी नहीं है, इतनी मेहनत से नारियल फोड़ा और उसे पानी नहीं, खतरनाक बेइज्जती हो गई।